ताजा तरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में डोईवाला विधानसभा की घोषणाओं के संबंध में बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में मुख्यमंत्री घोषणाओं को निर्धारित समय अवधि में पूर्ण किया जाए। कार्य के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कार्यों के लिए केंद्र को प्रस्ताव बनाकर भेजे। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न जन कल्याण योजनाओं के लिए राज्य सरकार को भरपूर सहयोग मिल रहा है। डोईवाला विधानसभा में मुख्यमंत्री की 132 घोषणाओं में से 93 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी हैं। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, पेयजल विभाग, युवा कल्याण विभाग, सिंचाई विभाग व शिक्षा विभाग की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने रेलवे ओवरब्रिज से भानियावाला तक डबल लेन के निर्माण एवं बाईपास के किनारे फुटपाथ निर्माण तथा सौंदर्यकरण के कार्य में विलंब पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने 30 जून तक इसका एस्टीमेट शासन को भेजने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने नागल ज्वालापुर से डोईवाला के मध्य सड़क चौड़ीकरण, डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत अन्य सड़कों का निर्माण एवं चौड़ीकरण राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी में स्वर्गीय राजेंद्र सिंह शाह की मूर्ति की स्थापना की समीक्षा की। जौली ग्रांट पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण, डोईवाला नगरीय पेयजल योजना, वैभव विहार नवादा में जलाशय एवं डोईवाला विधानसभा के विभिन्न वार्डों के मोहल्लों में पाइपलाइन बिछाने के कार्य, सोडा सरौली बड़ासी ग्रांट एवं थानो चकताई पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण, इंदरपुर में नवादा नाले की जल निकासी एवं माजरी नहर के दोनों ओर वॉकिंग ट्रैक तथा शेडेड सिटिंग एरिया निर्माण, डोईवाला में बस अड्डे के निर्माण की भूमि के विषय में भी समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने राजकीय इंटर कॉलेज इठारना के लिए नवीन भवन, राजकीय इंटर कॉलेज दूथली में बहुउद्देश्य हॉल एवं राजकीय इंटर कॉलेज रानी पोखरी के कक्षों के जीर्णोद्धार मिनी स्टेडियम के लिए अठूरवाला में जमीन चिन्हित की। समीक्षा के दौरान जानकारी दी कि राज्य स्तरीय शहीद स्मारक का निर्माण कार्य शहरी विकास विभाग द्वारा किया जाएगा तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इठारना में सौंदर्यकरण का कार्य किया गया है। डोईवाला में एक फायर यूनिट स्थापित की गई, फायर स्टेशन की कार्यवाही गतिमान है। डोईवाला शुगर मिल के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी श्री धीरेंद्र सिंह पवार, सचिव श्री आर के सुधांशु, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बंगोली, श्री दिलीप जावलकर, श्री ब्रजेश कुमार संत एवं संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। प्राइम न्यूज 24 के लिए उत्तराखंड ब्यूरो की रिपोर्ट।